हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम की आईडी कैसे डिलीट करें। हाँ दोस्तों, आप भी जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो परमानेंट, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से डिलीट है वो यहाँ पर कर पाओगे। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आप किसी भी रीजन से आप अपना अकाउंट है वो यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं ना, तो हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से डिलीट करना है वो आपको बताते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहला तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना। इंस्टाग्राम आपको ओपन है वो यहाँ पर कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल का लोगो मिलेगा यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं उससे यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको थ्री लाइंस वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके गाइस, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग खुल चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना। फर्स्ट में अकाउंट सेंटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा पर्सनल डिटेल का, यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन का ऑप्शन मिलेगा। ओके, देख रहे हो ना, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए गाइस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन है, डीएक्टिवेट अकाउंट, इसके बाद है डिलीट अकाउंट। तो यहाँ पर हमको डिलीट अकाउंट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इस तरह से टिक लगाना पड़ेगा। डिलीट अकाउंट के ऊपर आपको टिक लगा देना है डिलीट करना चाहते हो तो। इसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि किस रीजन से आप जो है अपना अकाउंट है वो यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना रीजन, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर मेरा रीज़न तो ये है क्रिएट ए सेकंड अकाउंट, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना है। फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। आपकी आईडी का जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन गाइस, आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर, क्लिक करके फॉरगेट कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद गाइस, यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कीजिए। ओके, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका वापस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आपको डिलीट के अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, इसके बाद आपका अकाउंट है वो यहाँ पर परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो चलो गाइस, यहाँ पर मेरा अकाउंट है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, इसके बाद दूसरा अकाउंट लॉगिन होके आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल में आप अकाउंट जो भी डिलीट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। मैंने आपको प्रोसेस है वो यहाँ पर बता दिया है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। मैंने जो अभी अकाउंट डिलीट किया वो यहाँ पर परमानेंट डिलीट हो चुका है, तो इस तरीके से आप डिलीट कर पाओगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो अगले वीडियो मिलते हैं। तो गाइस, सब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।